टॉप न्यूज आपके लिए लाता है सच्ची, साफ और निष्पक्ष खबरें। हम इस कार्य को हमेशा करते रहें, इसके लिए हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो प्लीज हमें सहयोग करें, हमारी खबरों के विषय में हमें अपनी अमूल्य राय जरूर दें। अगर आप टॉप न्यूज को मोबाइल में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद बेल के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तुरंत। कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे ना छूट पाए। अगर आप पीसी से देख रहे हैं तो पीसी में मौजूद सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने के प्रोत्साहन दें। अगर आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहा तो हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे सच हर कीमत पर। टॉप न्यूज से पत्रकार जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8445122112 पर संपर्क करें। हम देंगे एक प्लेटफॉर्म आपको नेशनल लेवल पर आपकी अपनी एक अलग पहचान बनाने का मौका। पुंछ में पीडीपी की जुलाई इकाई की बैठक हुई डांगला बंगला में। पार्टी के कामकाज की हुई चर्चाएं। पुंछ में डाक बंगला में आज जिला प्रधान समीमदार की अगुवाई में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एमएलसी जसपाल शर्मा, मारूफ खान, शहजाद खान, समीम खनन, सुनकोट, मंडी मंडल के पार्टी नेता मौजूद थे। इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर चर्चाएं हुई। आपकी मीटिंग चल रही है, उसके बारे में बताइए। ये तो हमारी रूटीन की मीटिंग है, जो मेरी जिला प्रशासन कमेटी की, जिला सदर होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं जिला की जो प्रशासन कमेटी मेम्बर है या हमारे जुलर से जुड़े मेंबर के हैं, पूछ के हैं, सुनको है, उनको बुलाता हूँ उनसे। यहाँ पार्टी मुराद पे बातचीत की जाए, मानूम के विधायक पे जाए बातचीत की जाए, हमारे वक्त होटल में मीटिंग होती रहती है। लेकिन चूंकि मैं पिछले हमने एक मीटिंग की थी और स्मार्ट प्रोटेक्शन डे हमने बनाया, उस पर हमारे मजदूरों ने काफी जो है बहुत बड़ा काम किया। जो आपने देखा लोग जो है वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, यहाँ की राइट आप होगी, आपने देखा यहाँ जिला पूछ में लोग थे, वहाँ आपने देखा कि कश्मीर में कम से कम 45,000 के करीब जो है वो लोग निकले और उन्होंने पार्टी का प्रोडक्शन बनाया, तो उसका शुक्रिया अदा किया जाए। इसका जो हमारी पार्टी जो है वो वाजिया मौकफ जो 35A पे कुछ यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई, जिससे पहले GST पे करने की कोशिश की गई, उसके बाद 35A पे की गई, उसमें जो पार्टी की हमारी लीडरशिप पे जो हमारी कायदे मुहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा जो उन्होंने वाजिया मौकफ जो हत्या किया, चाहे वो रियासत की अपोजिशन की बात थी, चाहे वो रियासत के सीनियर थी जो बुजुर्ग सियासतदान फारूक अब्दुल्ला साहब जो कर गए, उन्होंने सब सियासी जमातों को साथ लेकर वजीर अजम हिंदुस्तान से जो मुलाकात की, हिंदुस्तान की अपोजिशन के रहनुमा थे उनसे मुलाकातें की और उनसे जो है वो मुलाकात करके ये बताया कि रियासत का एक स्पेशल स्टेटस है, इसको जो है 35A रियासत का जो एक खूबी पोजिशन है, इस पर कोई भी रियासत की जमात जो है और बिलखसूस PDP जो है वो किसी सूरत में जो है कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उसी जिला में जो आपके माध्यम से अपने लीडर को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं और ये यकीन दिलाते हैं PDP का एक छोटा सा वर्ग से लेकर बड़े से बड़ा आदमी तक जो है वो आपके पीछे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। जहाँ रियासत के हालात ठीक करने की बात आई वो भी तैयार है, जहाँ लोगों के मसाइल की बात है वो भी है, उसी जिला में हमारी मीटिंग है, तो ये रूटीन होती रहती है। और दूसरा जो यहाँ हमारे मसाइल है जिसपे यहाँ बिजली और पानी की बात है, चूंकि यहाँ अक्सर शिकायत आती रहती है कि बिजली का मसला है, पिछले दिनों मैंने जो है 2-3 दिन पहले जो बिजली के एक्शन साहब हैं जो अपने काम के आदमी है, मैंने उनको गुजारिश की, मैंने कहा क्या मामला, उन्होंने कहा कि चूंकि यहाँ बुधवार वीरवार तक रजौरी में एक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया जा रहा है जिसकी वजह से परेशानी की दूर हो जाएंगी और उसमें भी जो है बहस करना चाहते हैं और पानी के मसले में बात करना चाहते हैं। हमारी जो सरकार ने यहाँ में अच्छे इंतजाम किए जिसमें हमारे DC साहब जो यहाँ तक लाए हैं बड़े ईमानदार बड़े सच्चे हैं, उसके साथ साथ हमारे जो SP साहब हैं वो बड़े खुले दिल के आदमी हैं और जो पिछले दिनों यहाँ यात्रा हुई, यहाँ जो 15 अगस्त मनाया गया, जिस तरह पुंछ के लोगों ने जो है वो अमन कायम रखा, यात्रियों का स्वागत किया हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा ने, उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से यहाँ के आवाज़ को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि PDP का हमारा जो वजूद में आने का मकसद सिर्फ यही था कि PDP लोगों के मसाइल की बात करे और रियासत के लोगों को दलदल से निकाले और रियासत का जहां तक कशक उसका सवाल है, ये मैं वाजह तौर पर आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसकी लीडरशिप एक इकदार या 10 इकदार कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन रियासत के स्पेशल स्टेटस के साथ कभी भी कम्प्रोमाइज नहीं करेगी। आखिर में मैं आपको शुक्रिया, अगर नहीं जुटता है तो ये नाम ना ही है।
हाँ जी सर बताइए, जो आज आपकी पीडीपी पार्टी की मीटिंग चल रही है, किस हवाले से है? इसलिए हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग है और ये मीटिंग इस सिलसिले में है। एक तो जो 35 किलो का मामला है उसके, दूसरा ये है कि लोगों की चाहत है, लोग भी चाहते हैं कि दफ़ा 370 जो है वो पूरा कायम रहे और इसका नुकसान खास करके कश्मीर को नहीं है, क्योंकि कश्मीर में मिलिटेंसी जो है फैली है और ज़्यादा खास करके इसको जम्मू और पुंछ इन इलाकों को है, क्योंकि अगर कबाइल के लोग यहाँ पे आएंगे तो करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा कोई बात है नहीं है, तो इस मामला पर है एक। दूसरी ये बात है कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का आपसी जो रास्ता खुला हुआ था चक्का का बाग, इसके जो मुसाफिर हैं उनको श्रीनगर से भेजा गया, इस पर पार्टी के लोगों की नाराजगी है कि ये मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने इस रास्ते को खोला था और ये पुंछ जो है एक पुंछ जो है वो एक अहम जगह थी, इस जगह से उनको फिर वापस किया जाना चाहिए था और जो चक्का के बाग का ट्रेड है उस ट्रेड को फिर दोबारा से बहाल किया जाए। इस सिलसिले में आज पार्टी के अहदेदारों की मीटिंग है और पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए, पार्टी किस तरीके से ठीक यहाँ पर हो सकती है, इसलिए ये मीटिंग जो है आज डाकबंगला पहुँच में डिस्ट्रिक्ट जम्मू के पुंछ से टॉप न्यूज संवाददाता जेबी सिंह की रिपोर्ट।